मोदी जी की बातें खोखली हैं, मोदी जी का सम्मान खोखला है, सिर्फ बोलने की बातें हैं, सिर्फ वोट लेने के लिए बातें हैं, कोई वजन नहीं है उनकी बातों में। कहते हैं मैं अकेला लड़ रहा हूं, मैं अकेला लड़ रहा हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप और अकेले कैसे? सारी सत्ता आपके पास है, सारे साधन आपके पास है। आप ही के लोग कहते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े नेता हैं आप, दुनिया के सारे प्रधानमंत्री, दुनिया के सारे राष्ट्रपति आपके साथ हैं और आप अकेले लड़ रहे हैं। मंच पे आते हैं चुनाव के समय, रोने लगते हैं बच्चे की तरह, कहते हैं कि मुझे गाली दी, कहते हैं कि मुझे गाली दी। अरे हिम्मत करिए मोदी जी, सार्वजनिक जीवन है, हिम्मत करिए। इंदिरा जी से सीखिए, उस दुर्गा रूपी महिला से सीखिए जिसने पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। कितनी हिम्मत थी उनसे सीखिए, देखिए क्या होती है हिम्मत, क्या होती है दृढ़ता, क्या होती है वीरता। लेकिन आप उनसे नहीं सीख सकते क्योंकि आप उन जैसे शहीद महान महिला को आप देशद्रोही कहते हैं। तो क्या सीखेंगे आप उनसे? जनता के सामने आते हैं, प्रधानमंत्री पद है, पद की गरिमा है, पद का एक स्तर है। कितने महान व्यक्तियों ने उस पद को संभाला, जवाहरलाल नेहरू जैसे व्यक्ति, इंदिरा गांधी जैसी महान महिला, मनमोहन सिंह जैसे सभ्य व्यक्ति, वाजपेयी जी जैसे व्यक्ति जो लोकतंत्र को समझते थे, उसका आदर करते थे। और आज आप इस पद को संभालते हुए, इस पद की गरिमा को ना देखते हुए इस पद का स्तर आपने गिरा दिया है। चुनाव के समय आपकी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि आप जनता को बताएं कि 10 सालों में आपने क्या किया जनता के लिए। ये जनता जो रो रही है, ये मेरे आदिवासी भाई बहन जो महंगाई की वजह से रोज रो रहे हैं, ये मेरी बहनें जो यहां बैठी हैं, जो दुकान जाती है कुछ खरीदने के लिए खाली हाथ वापस आती हैं, आधी चीजें छोड़ के आती हैं, सोचती हैं कि कल ले लूंगी, कभी और ले लूंगी, अभी जितना ले सकती हूं उतना ही लूं। आप ताली बजा रही हैं, आपका कितना संघर्ष का जीवन है। मोदी जी समझ पाते हैं इसको, वो जानते हैं, वो जानते हैं कि आप मजदूरी भी करो तो मजदूरी करने के बाद घर आती हो, घर पूरा संभालती हो, खाना बनाने का काम, सफाई का काम, बच्चों की परवरिश का काम, और ये सारी चीजें दिल में ये घबराहट लेके करती हो कि आगे क्या होगा, अगर बच्चा बीमार पड़ जाएगा इलाज कैसे कराऊंगी, घर में मरम्मत करनी है तो पैसे नहीं है, चाहे जितनी भी मेहनत कर रही हूं, चाहे मेरा पति, मेरे बच्चे जितनी भी मेहनत कर रहे हो, पूरी नहीं हो रही है मेहनत, कमाई काफी नहीं है, इलाज के लिए काफी नहीं है, बच्चों के शिक्षा के लिए काफी नहीं है, कुछ सामान खरीदना है, कोई त्योहार है उसके लिए काफी नहीं है, बच्चों की वर्दी खरीदनी है, बच्चों की फीस भरनी है, काफी नहीं है, शिक्षा करानी पड़ती है आप बच्चों की, जब शिक्षा करानी पड़ती है आपको कर्ज लेना पड़ता है, बेटी की शादी होती है कर्ज लेना पड़ता है, नुकसान हो गया खेती में तो भुगतान नहीं मिलता, कर्ज लेके काम चलाना पड़ता है और आपका कर्ज वापस नहीं करता कोई। क्या समझ सकते हैं इस बात को मोदी जी, जो आकर आपके सामने अपनी मुसीबतें गिनाते हैं, जो आकर आपके सामने मोदी जी आज आपसे कट चुके हैं,
यहाँ आते हैं बड़े बड़े मंचों पर, आपने देखा होगा उनके पास भी कोई नहीं आता, उनके सलाहकार भी उनसे डरते हैं, उनके बड़े बड़े नेता भी उनसे डरते हैं, उनको सच कौन बताएगा, उनको ये सच्चाई कौन बताएगा कि इस देश का जो गरीब है आज पिस रहा है, इस देश का किसान कमा नहीं पा रहा है, खाद नहीं मिल रहा है, पेट्रोल डीजल का दाम इतना बढ़ चुका है कि खेती करनी मुश्किल हो चुकी है, कौन बताएगा इनको।